मेरे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार मृत्यु घोषणा और संबंधित नियम। मृत्यु घोषणा से संबंधित नियम कौन कौन से हैं? एक साधारण रूप से हम आपको बता दे रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की एक अदालत, विशेष अदालत ने हत्या के आरोपी की हिरासत में मौत के लिए 2 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जो कि पीड़ित द्वारा की गई मृत्यु पूर्व घोषणा पर आधारित है। अब मृत्यु से संबंधित जो घोषणा होती है उससे संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह भारत सरकार के कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग, जो प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के अंतर्गत आता है, के अधीक्षण में कार्य करता है। प्रमुख बिंदु कौन से हैं इसके? मृत्यु घोषणा का आशय क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 एक महत्वपूर्ण मृत्यु पूर्व घोषणा को मृत व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रासंगिक तथ्यों के लिखित या मौखिक बयान के रूप में परिभाषित करती है। ये उस व्यक्ति का कथन होता है जो अपनी मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में बताते हुए मर गया। इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक व्यक्ति झूठ के साथ अपने सृजनकर्ता के समक्ष नहीं जा सकता है। अधिनियम की धारा 60 के तहत सामान्य नियम यह है कि सभी मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होने चाहिए, यानी पीड़ित ने इसे सुना, देखा या महसूस किया गया हो। महत्वपूर्ण घोषणा संबंधी नियम। महत्वपूर्ण घोषणा को मुख्यतः 2 व्यापक नियमों के आधार पर स्वीकृति दी जाती है। जब पीड़ित प्राय अपराध का एकमात्र प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य हो, आसन्न मृत्यु का बोध जो न्यायालय में शपथ दायित्व के समान ही होता है। मृत्युपूर्व घोषणा की रिकॉर्डिंग। कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति मृतक का मृत्युपूर्व बयान दर्ज कर सकता है। हालांकि न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया मृत्युकालीन बयान अभियोजन मामले में अतिरिक्त शक्ति प्रदान करेगा। मृत्युपूर्व घोषणा कई मामलों में घटना की उत्पत्ति को साबित करने के लिए साक्ष्य का प्राथमिक हिस्सा हो सकती है। इस तरह की घोषणा के लिए अदालत में पूरी तरह से जवाबदेह होने की एकमात्र आवश्यकता पीड़ित के लिए स्वेच्छा से बयान देना और उसकी मानसिक स्थिति का स्वस्थ होना। मृत्यु से पहले की गई घोषणा को दर्ज करने वाले व्यक्ति को इस बात को संतुष्ट होना चाहिए कि पीड़ित की मानसिक स्थिति ठीक है। ऐसी परिस्थितियां जहां न्यायालय इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि मृत्युपूर्व घोषणा अधिक प्रभावकारी होती है, क्योंकि आरोपी के पास जेरे की कोई गुंजाइश नहीं थी। यही कारण है कि अदालतों ने सदैव इस बात पर जोर दिया कि मृत्यु पूर्व घोषणा इस तरह की होनी चाहिए कि अदालत को उसकी सत्यता पर पूरा भरोसा हो। अदालत इस बात की जांच करने के मामले में सतर्क होती है कि मृतक का बयान किसी प्रोत्साहन या कल्पना का उत्पाद तो नहीं है। पुष्टि की आवश्यकता सबूत के समर्थन में। कई निर्णयों में यह उल्लेख किया गया है कि ये न तो कानून का नियम है, न ही विवेक का, कि मृत्यु से पहले की घोषणा के बिना पुष्टि किए कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि मृत्यु पूर्व घोषणा सत्य और स्वैच्छिक है, तो बिना पुष्टि के उस आधार पर दोषित किया जा सकता है। जहां मृत्यु पूर्व घोषणा संदेश हास्पद हो, उस पर बिना पुष्ट साक्ष्य के कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मृत्यु पूर्व घोषणा में घटना के बारे में विवरण नहीं होता है। चिकित्सकीय वैधता क्या हो सकती है? आमतौर पर अदालत इस बात की संतुष्टि के लिए चिकित्सकीय राय ले सकती है। क्या व्यक्ति मृत्युकालीन घोषणा के करने के समय स्वस्थ मानसिक स्थिति में था? लेकिन जहां चश्मदीद गवाह के कथन के अनुसार व्यक्ति ने मौत से पहले घोषणा मानसिक रूप से स्वस्थ सचेत अवस्था में की, वहाँ चिकित्सकीय राय मान्य नहीं हो सकती है। थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। तो सब्सक्राइब करना न भूले। कहने का मतलब, मरने वाला व्यक्ति झूठ क्यों बोलेगा कि जा ही रहा है, मर ही रहा है, तो उसकी सत्यता पर अधिकतर मान्य कोर्ट विश्वास करते हैं उसके हिसाब से, लेकिन बनावटी ना हो वो ऑनरेबल कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करना न भूलें।